नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नर्मदापुरम में आंगनवाड़ी कर्मियों एवं योजना कर्मियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल ज्ञापन एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन योजना कर्मियों के राष्ट्रीय फेडरेशन और स्वतंत्र यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर कल 16 फरवरी 2024 को की गई। बता दें, संयुक्त प्रदेश में यूनियन के द्वारा 16 फरवरी को प्रदेश भर में आयोजित हड़ताल प्रदर्शन के माध्यम से आग्रह करती है कि सरकार निम्न मांगों का तुरंत निराकरण करें। बताते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाए, तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिए जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाते हुए आंगनवाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट पर ग्रेजुएट का कर दिया जाए। बताते हैं कि कर्मियों का मानदेय शासन के आदेश अनुसार हर माह की 5 तारीख तक भुगतान कराया जाए और पिछले 3 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, तत्काल भुगतान कराया जाए। वहीं सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति के लिए पिछले आदेश में 25% पद पर सहायिका पदोन्नति करने का आदेश था, जिसमें उम्र का कोई भी प्रावधान नहीं था। वहीं 50% एवं 5 वर्ष के आदेश वर्तमान में किए गए हैं, जिसमें उसका प्रावधान 45 वर्ष किया गया है। उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, वर्तमान आदेश में उम्र का प्रावधान खत्म किया गया है। बताते हैं कि उम्र का कोई प्रावधान नहीं होता है, वर्तमान आदेश में उम्र का प्रावधान खत्म कर आंगनवाड़ी कर्मियों को ICDS के अलावा अन्य विभागों के कार्यों में न लगाया जाए, पूर्व भी आदेश विभाग द्वारा दिए गए हैं और इसके बाद भी आंगनवाड़ी कर्मियों का अन्य विभागों के सर्वे पर कार्य में ड्यूटी लगाई जाती है, इसे विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय आदेशित किया गया था कि ICDS एक महत्वाकांक्षी योजना है, अन्य विभागों के कार्य में से आंगनवाड़ी का कार्य प्रभावित होता है और इन्हीं सभी मांगों को लेकर संयुक्त संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। जो राष्ट्रीय आंदोलन है, संयुक्त मोर्चे का आज आंदोलन था, जो हमारी मुख्य मांगों को लेकर हम लोग आज पूरे भारत में हड़ताल कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आज हड़ताल में हैं और हमारी जो मुख्य मांग है वो शासकीय कर्मचारी का दर्जा है, जिसमें हमने 14 मांगें अपनी रखी हैं। मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि हमारी लंबित मांगों के लिए हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक शासन हमें शासकीय कर्मचारी नहीं बनाती है, जब तक हमें 26,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन है वो दिया जाए। हमारी कार्यकर्ताओं को अन्य विभागों के कार्य से हटाया जाए और हम जो भी हमारे ग्रेजुएटी फंड की राशि है उसको तत्काल दिया जाए। रिटायरमेंट की तत्काल जो आखिरी मानदेय राशि होती है उसमें हमारा मानदेय का भुगतान के साथ में हमारा जो मतलब रिटायरमेंट की राशि है उसको दिया जाए। 65 वर्ष की आयु की जाए हमारी, जो कि हमारी मुख्य मांगे हैं। और आगे भी यदि हमारी मांग पर यदि शासन ध्यान नहीं देगी तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमारा 2024 का प्रथम आंदोलन है। हम शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल पे हैं और पूरे भारत में हमारी एक मांग है, एक बैनर है और हम संयुक्त मोर्चे के तहत खड़े हुए हैं। हम सब नर्मदापुरम से अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।